पोल पॉट कंबोडिया का एक क्रूर तानाशाह, एक ऐसा तानाशाह जिसने 3 साल में 30 लाख से अधिक लोगों को मार डाला, एक ऐसा तानाशाह जिसने अत्याचार करने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, जिसने 6-6 महीनों के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उसकी क्रूरता के सामने हिटलर और स्टालिन भी फेल थे। तो आखिर कौन था पोल पॉट? आखिर बुद्ध धर्म की अहिंसक शिक्षाएं ग्रहण करने वाला कैसे इतना निर्दयी बन गया? आखिर कैसे इस शांत से दिखने वाले व्यक्ति ने मौत का तांडव मचा दिया? आखिर इसका अंत कैसे हुआ? इस वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम दरिंदे पोल पॉट के उदय से लेकर पतन तक एक एक चीज को जानेंगे, वो भी बिल्कुल बारीकी से। वीडियो शुरू हो चुकी है। सलोत सार यानी पोल पॉट का जन्म 19 मई 1925 को कंबोडिया के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके पिता एक अमीर किसान थे तथा उसकी माँ एक कट्टर बुद्धिस्ट थी, जिस कारण पोल पॉट जब 6 साल का हुआ तो वह एक बुद्ध मठ में 18 महीनों तक साधु बनकर रहा तथा उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त की। पोल पॉट बचपन से ही काफी शर्मीला किस्म का व्यक्ति था। उसके भाई के अनुसार वे बड़ा ही मेहनती तथा दयावान व्यक्ति था। हाँ, बात तो सही है, इतना दयावान था कि 30 लाख लोगों को तड़पा तड़पा के मार दिया। खैर, पोल पॉट अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप के तहत फ्रांस चला गया, जहाँ उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फ्रांस में पोल पॉट का परिचय कम्युनिज्म से हुआ। उसने कार्ल मार्क्स तथा जोसेफ स्टालिन को पढ़ना शुरू किया और वह इनसे बड़ा ही प्रभावित हो गया। अब पोल पॉट एक कट्टर कम्युनिस्ट बन चुका था और 1953 में वो वापस कंबोडिया आ गया तथा उसने निश्चय किया कि वो अपने देश को भी कम्युनिज्म के लाल रंग से रंग देगा। कंबोडिया वापस आने के पश्चात पोल पॉट ने वर्कर्स पार्टी ऑफ कंपुचिया नामक एक पार्टी बनाई, जो खेमर रूज के नाम से प्रसिद्ध होने वाली थी। उसने अपने करिश्मा से कई गरीब किसानों तथा लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, परंतु उस समय कंबोडिया पर राजा सिहनुक शासन कर रहा था, जिसे किसी भी प्रकार का विरोध बर्दाश्त नहीं था। वो अपने विरोधियों को चुन चुन कर मरवाता था तथा एक तानाशाह की तरह शासन कर रहा था। फलस्वरूप पोल पॉट अपने साथियों के साथ अपनी जान बचाने के लिए वियतनाम से सटे जंगलों की ओर भाग गया, जहां वियतनाम के सैनिकों ने डेरा जमाया हुआ था। वियतनाम के सैनिक जो कि कम्युनिस्ट थे, उन्होंने पोल पॉट की सेना को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उस समय वियतनाम और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। होता ये था कि वियतनाम के ये सैनिक अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर जंगलों से होते हुए कंबोडिया भाग जाते थे। इसे रोकने के लिए अमेरिका ने कंबोडिया में भी 1,00,000 टन बम बरसा दिए, 1,00,000 टन, जिसकी वजह से 1.5 लाख से ज़्यादा निर्दोष कंबोडियाई लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें गरीब किसान भी शामिल थे। इस घटना की वजह से लोग पोल पॉट की सेना में भर्ती होने लग गए। उसकी सेना की संख्या बढ़ती जा रही थी और कंबोडिया में गृह युद्ध चलने लगा। परंतु तब कुछ ऐसा हुआ जिससे पोल पॉट की किस्मत चमक गई। साल 1970 में राजा सिहनुक का लोन नोल द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। राजा ने अपना तख्त वापस पाने के चक्कर में पोल पॉट के साथ समझौता कर लिया तथा उसका समर्थन कर दिया। राजा को ये उम्मीद थी कि वो पोल पॉट की मदद से अपनी सत्ता वापस पा लेगा। राजा के समर्थन की वजह से लाखों लोग पोल पॉट की खेमर रूज में शामिल होने लगे और उसकी सेना और भी ताकतवर हो गई। खेमर रूज लोन लोल के सैनिकों को रोंद कर आगे बढ़ती जा रही थी और 17 अप्रैल 1976 को खेमर रूज ने कंबोडिया की कैपिटल नॉम पेन पर कब्जा कर लिया। जनता ने खेमर रूज का बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया, उनकी जीत का जश्न मनाया। लोग बड़े खुश थे और होए भी क्यों ना, 5 साल चले भीषण गृह युद्ध में 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु जो हो चुकी थी। लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये नई सरकार बिगड़े हालातों को सुधार देगी तथा एक नया खुशहाली का सूरज उगेगा,
पर इन्हें क्या पता था कि जल्द ही मौत का तांडव आने वाला है। पूरे कंबोडिया पर अब पोल पॉट का शासन स्थापित हो गया था तथा राजा सिहानुक को अपनी जान बचाकर देश से भागना पड़ा। पुरानी सरकारों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को चुन चुन कर मारा गया। बड़े बड़े जनरलों को मौत के घाट उतार दिया गया। पोल पॉट का प्रमुख उद्देश्य था कि एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना की जाए, जहां ना कोई जाति हो, ना धर्म हो, ना अमीर हो, ना गरीब हो, सब केवल किसान हो। नतीजन स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल सब बंद कर दिए गए। टीचर्स, प्रोफेसर्स तथा डॉक्टरों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। धर्म पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई तथा 25,000 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार कर दिया गया। कंबोडिया में रह रहे अल्पसंख्यक वियतनामी, चाइनीज तथा मुसलमानों का भी कत्ल कर दिया गया। विदेशी भाषा के जानकारों का भी कत्ल कर दिया गया। यहाँ तक कि विदेशी स्टाइल के कपड़े पहनने वालों का भी कत्ल कर दिया गया। चश्मे पहनने वालों का भी कत्ल कर दिया गया। मतलब बाहर के देशों का कुछ भी अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि जो विदेशी जैसे दिखते भी है उनका भी कत्ल कर दिया गया। खेमर रूज ने आते ही खून की नदियां बहा दी। परंतु अब आप सोच रहे होंगे, उनका क्या हुआ? जो लोग खेमर रूज की जीत का जश्न मना रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, क्या वो बच गए? जी नहीं। पॉल पॉट ने फ्नोम पेन को जीतने के बाद शहर को खाली करने का आदेश दिया, जिसके पीछे यह बहाना बनाया गया कि अमेरिका शहर में बम बरसाने वाला है, इसलिए लोगों की सुरक्षा हेतु उन्हें ग्रामीण इलाकों में ले जाया जाए। नतीजन लाखों लोग शहरों को छोड़कर गांव की ओर बढ़ने लगे। उस समय कंबोडिया में भीषण गर्मी थी तथा ग्रामीण इलाके सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, जिस कारण 20,000 से ज्यादा लोगों ने चलते चलते ही दम तोड़ दिया। जो बीमार हो गए थे तथा चलने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें खेमर रूज के सैनिकों ने स्वयं ही निपटा दिया। पूरे शहर को गांव ले जाने के बाद फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। उनसे खेतों में काम करवाया गया तथा छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश कर उन्हें सेना में भर्ती कर लिया। वह बच्चे जिन्हें अपनी पेरेंट्स की याद आ रही थी, उन्हें कत्ल कर दिया गया। लोगों से दिन में 18-18 घंटे खेतों में काम करवाया जाता तथा पूरे दिन के खाने में केवल 2 मुट्ठी चावल दिए जाते। नतीजन लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। और पोल पॉट की हैवानियत देखिए, एक और तो उसके अपने लोग भूख से मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में भर भर के अनाज एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और यदि कोई भूखा मरने से बचने के लिए चावल चोरी करते हुए या पेड़ों पर लगे फल खाते हुए भी दिख जाता, तो उसका कत्ल कर दिया जाता, वो भी गोली मार कर नहीं बल्कि हथौड़े या कुल्हाड़ी से सर काट कर, क्योंकि गोलियां महंगी हुआ करती थी। खेमर रूज ने औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। 6-6 महीने के बच्चों को उनकी माओ के सामने मार दिया जाता तथा फिर माओ को मारा जाता। मारने के तरीके भी ऐसे ऐसे कि पैरों तले जमीन खिसक जाए। बच्चों को उठा के जोर से पेड़ पर मारा जाता तथा कभी बच्चों को हवा में उछाला जाता और नीचे तलवार रख दी जाती। कईयों से उनकी कब्रें खुद खुदवाई जाती, फिर उन्हें जिंदा गाड़ दिया जाता। कईयों को आंखों में पट्टी बांध के लाया जाता और उन्हें झांसा दिया जाता कि हम तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाने ले जा रहे हैं। उन्हें घुटनों के बल बैठाया जाता और कहा जाता कि पट्टी खोलते ही तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें गले लगाएंगे। परिवार वालों का गले लगाना तो दूर, पट्टी उतारने से पहले ही उनकी गर्दन काट दी जाती। और भी ऐसे ऐसे तरीके थे जिन्हें मैं यहाँ नहीं बता सकता। लेकिन क्या सारे सैनिक ऐसे ही थे? जी नहीं, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ये सब करने से मना कर दिया, जिनके मन में अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बची थी। लेकिन उन सैनिकों की भी गर्दन उड़ा दी गई। इसके अलावा कई सारी टॉर्चर प्रिजन्स भी थी, जिसमें सबसे कुख्यात थी S-21 प्रिजन, जिसे खेमर रूज ने हाई स्कूल से जेल में परिवर्तित कर दिया था। यहाँ 99% कैदी निर्दोष हुआ करते थे, पर उन्हें टॉर्चर किया जाता।
जितनी खतरनाक चीजें आप दिमाग में सोच सकते हैं वो सब यहाँ की जाती थी। यहाँ तक कि कैदियों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट तक किए जाते थे। अब आप कहोगे कि तू तो कह रहा था कि डॉक्टर्स को तो पहले ही मार दिया गया था, तो ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? बच्चे, जी हाँ बच्चे, 15-16 साल के बच्चे। S21 में गार्ड से लेकर डॉक्टर्स तक सब 15-19 साल के बच्चे होते थे। कैदियों को बिना बेहोश किए उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे तथा तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। गार्ड्स को ये सब करने में बड़ा ही मज़ा आता था। कुछ चंद गार्ड्स जिन्हें नहीं आता था उन्हें भी करना पड़ता था कि कहीं कैदी की जगह अगला नंबर उसका ना लग जाए। लगभग 22,000 लोग इस जेल से होकर गुजरे और केवल 7 ही जिंदा बच पाए, केवल 7। पॉल पॉट ने केवल 4 साल में ही 75 लाख की आबादी में से 30 लाख लोगों को मार दिया, यानी लगभग आधी आबादी खत्म हो गई। और जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, मैंने जो भी किया अपने देश के लिए किया, मैंने कम्युनिज्म की रक्षा के लिए किया। मतलब पागलपन की भी एक सीमा होती है। खैर, अब मेरे से और नहीं हो रहा, बोलने को तो मैं 1 घंटे तक इस पर बोल सकता हूँ। ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले किस्से हैं, पर अब इसके अंत की बात करते हैं। परंतु इससे पहले कि हम इस दरिंदे के दर्दनाक अंत के बारे में बात करें, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही रोचक हिस्ट्री वीडियो समय पर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। पहले से ही कंबोडिया और वियतनाम में सदियों पुरानी दुश्मनी थी, परंतु पोल पॉट के आने के बाद दोनों के बीच सीमा विवाद हो गया। नतीजन पोल पॉट के सैनिक वियतनामी इलाकों में घुसते और मार काट करके वापस आ जाते। हद तो तब हो गई जब खेमर रूज ने बाचुक में 3,000 से ज्यादा निर्दोष वियतनामी सिविलियंस का कत्लेआम कर दिया, जिसके बदले में वियतनाम ने कंबोडिया पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। वियतनामी सैनिकों ने खेमर रूज को गाजर मूली की तरह काट दिया तथा पोल पॉट डर के मारे अपने वफादारों के साथ थाईलैंड से सटे जंगलों में भाग गया। 17-18 सालों तक पोल पॉट जंगलों में रहा तथा नई सरकार के साथ गुरिल्ला युद्ध करता रहा, परंतु अब पोल पॉट में वो करिश्मा नहीं रहा था। उसकी लेफ्ट साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो गई थी तथा उसकी 90% आई साइड जा चुकी थी, लेकिन ये सब चीज़ें भी उसकी सनक नहीं कम कर पाई। उसे अपने करीबी रहे सोनसेन पर शक हो गया कि इसकी नई सरकार से मिली भगत है। नतीजन सोनसेन और उसके पूरे परिवार का बड़े भयावह तरीके से कत्ल कर दिया गया। सोनसेन की हत्या के पश्चात पोल पॉट का ही जनरल टामोक भयभीत हो गया। उसे लगा कि यह बुड्ढे की सनक के सामने कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज सोनसेन मरा है, कल मेरा नंबर भी आ सकता है। नतीजन टामोक ने तुरंत अपने सैनिक भेजे और पोल पॉट को अरेस्ट कर उसे नजरबंद कर लिया गया। पोल पॉट को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए सौंपा जाने वाला था, परंतु 15 अप्रैल 1998 को 72 वर्ष की आयु में अचानक उसकी मृत्यु हो गई। कथित तौर पर उसकी मृत्यु हार्ट फेलियर से हुई, पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सौंपे जाने के डर से पोल पॉट ने ड्रग ओवरडोज कर ली। पोल पॉट की लाश को उसके समर्थकों द्वारा टायर में बांध के जला दिया गया और एक दरिंदे का पूरी तरह से अंत हो गया। तो आप पोल पॉट के बारे में क्या सोचते हैं? वो अच्छा था या बुरा था? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। और वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही अन्य रोचक वीडियोज़ हैं जो ज़रूर आपको पसंद आएंगी। ईदी अमीन, जोसेफ स्टालिन, बेनिटो मुसोलिनी एवं अन्य डिक्टेटर्स के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।